बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी तहमीना अज़ीज़ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल किचन विद तहमीना। आज हमारी किचन में बनने जा रही है खट्टी मीठी डिफरेंट सी चना चाट, जो कि इंतहा ज़्यादा मज़ेदार है और डिफरेंट है। तो फिर बगैर टाइम ज़ाय के बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। और पीपल, इसके लिए मैंने, आप देख सकते हैं, एक अदद ले लिया है बाउल। अच्छा, सबसे पहले मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लेके बॉयल करके इस तरह से उसको काट लिया है। ठीक है जी, एक प्याली मुझे चाहिए होंगे बॉयल्ड सफ़ेद चने, इनको शामिल कर लीजिए। एक प्याली बॉयल्ड फुलकियाँ और छोटा सा मीडियम प्याज चॉप्ड, एक मीडियम टमाटर अच्छी तरह से मैंने चॉप कर दिया है, इसको शामिल कर लीजिए। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं चॉप्ड, इनके अच्छी तरह से शामिल करिए। 1/3 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर दीजिए, 1/3 टीस्पून काला नमक इसमें शामिल कर दीजिए और 1 टीस्पून चाट मसाला। अच्छा जी, ये अजवाइन है 1/4 टीस्पून और इमली की चटनी है ये तकरीबन 2 या 3 टेबल स्पून आप इसमें शामिल करें। ठीक है जी, ये शामिल हो चुकी है। और ये सिंपली आपने इमली को भिगो देना है पानी में और उसको 2-4 घंटे के लिए भिगा रहने दीजिए, ज़रा थिक हो जाएगी। अच्छा जी, आधी प्याली इसमें शामिल कर लीजिए आप अनार, इसी से टेस्ट आएगा खट्टा मीठा तीखा और पूरी की पूरी चाट जो है वो उसका फ्लेवर ही बदल जाएगा। अच्छा जी, अब इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। इसमें 4 से 5 टेबल स्पून शामिल कर दीजिए दही। ठीक, ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और जो इमली की चटनी थी इसको मज़ीद इसके ऊपर डाल दें ताकि खूबसूरती में भी हो जाए इजाफा। अच्छा जी, ये इसमें है हरे धनिए, पुदीने और हरी मिर्चों को मैंने मिक्स करके इसकी चटनी बना ली है। ये देखिए इस तरह से इसमें डालें, देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है देखने में ही। ठीक है, कोई भी चीज़ आप जब खाते हैं वो देखने में खूबसूरत लगे तो फिर ही खाते हैं आप इसको। इसमें बारीक सेवइयां, ठीक है, खट्टा मीठा बनाने के लिए। सो पीपल, जस्ट लुक एट दिस मज़ेदार सी खट्टी मीठी चना चाट, जो है ये बिल्कुल तैयार है, झटपट बनी है, इंतहा से ज़्यादा मज़ेदार और डिफरेंट है। ये आप ट्राई करेंगे तो ही आपको मेरी बात पे यकीन आएगा। तो आप ऐसे करिए, मेरी ज़बरदस्ती रेसिपी को अपनी खाला फूफो चाची नानी दादी सबके साथ शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।